स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। आज की वीडियो में बात करेंगे 10th एनआईएस हिंदी जिसका कोड है 201, उसके चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है बीती विभावरी जागरी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 1, 2, 16 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और बात करूँ इन चैप्टर्स की स्टोरीज की, तो स्टोरी मैंने सारे के सारे चैप्टर्स की आपकी करवा दी है। पूरा सिलेबस हिंदी का मैं अपने चैनल पर करवा चुकी हूँ और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ पर मैंने आपका लेटर और ग्रामर ये सारी चीज़ें भी करवाई हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। बाकी अगर आपको ये नहीं पता है कि हिंदी का पेपर कैसा आएगा, तो पेपर रिगार्डिंग वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप समझ लें कि पेपर का पैटर्न क्या है। इसके अलावा गाइज, अगर आपको हिंदी के सिलेबस को और ज़्यादा अच्छे से कवर करना है, तो आप हमारे ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ऐप का नाम है पीएससी पाई स्टडी सर्कल, जहाँ पर हमने हिंदी का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा रखा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ आपकी ग्रामर और प्रॉपर तरीके से सारे बोर्ड पर नोट्स आपके बनवा रखे हैं। तो ऐप पर डेमो वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप जाइए देखिए, और बहुत कम फीस में, चाहे आप अप्रैल के स्टूडेंट हो या अक्टूबर वाले स्टूडेंट हो, दोनों ही बच्चे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ऐप का नाम है पीएससी पाई स्टडी सर्कल, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और साथ ही इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपके सभी सब्जेक्ट के सॉल्व असाइनमेंट, जिसको हम TMA कहते हैं एंड सॉल्व प्रैक्टिकल, ये सभी आपको हमारी ऐप पर मिल जाते हैं, और साथ ही इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। इसके साथ अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल, ठीक है, PDF फॉर्म में आपकी बुक्स, वो सारी चीज़ें ऐप पर अवेलेबल हैं। तो चलिए अभी हम शुरू कर लेते हैं अपना चैप्टर नंबर 17। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि यहाँ से दिन में आपको कई सारी वीडियोज़ मिलती रहती हैं और सारी अपने आपके सिलेबस से और अपडेट से रिगार्डिंग ही होती हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये रहा आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ये क्वेश्चन आंसर्स उसी पैटर्न पर मैंने तैयार किए हैं, जिस पैटर्न पर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है गाइस, वो है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो, इस कविता की जो भाषा है, बीती विभावरी जागरी, ये बेसिकली कविता है। इसको पढ़ लेना आप, समझ लेना, मैंने आपको समझा रखा है। तो इस कविता की भाषा कैसी है, क्या ऑप्शन है, संस्कृत निष्ठ भाषा है, ख है उर्दू है, गह सरल है, या फिर गह मिली जुली। तो देखो, इसकी जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ है, तो आप देख सकते हैं। चलेगा इस नेक्स्ट है आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है कविता में मुख्य रूप से किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। क्या ऑप्शन है आपका प्रेयसी के, ख है पक्षी, गह है प्रकृति, या फिर गह पनगढ़। तो देखो, कविता में मुख्य रूप से पक्षी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सो गाइस, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में आपको देने हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी किस कवि की कविता है और इसे किस संग्रह से लिया गया है। तो देखो, बीती विभावरी जागरी ये महाकवि जयशंकर प्रसाद का गीत है, और यह उनके लहर काव्य संग्रह से लिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसकी वर्ड लिमिट 1520 वर्ड होगी, 15 से 20 वर्ड, वो है इस कविता में कवि ने किसे आह्वान किया है। तो देखो, इस कविता में कवि ने देश के युवकों को आह्वान किया है कि समर्थ होकर भी आगे बढ़ो। ठीक है, तो देश के जो है युवकों का आह्वान किया है कि समर्थ होकर भी सो मत और जाग जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जिसका उपमेय और उपमान किसे कहते हैं। तो देखो, जिसकी उपमा दी जाती है उसे तो उपमेय कहते हैं, और जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीती विभावरी जागरी, ये जो शब्द है इसमें री शब्द का क्या ध्वनित करता है। तो जो ये री शब्द है वो क्या ध्वनित करता है, आप देख सकते हैं, बीती विभावरी जागरी इस कविता में जो ये री शब्द है वो ये ध्वनित करता है कि जगाने वाली कोई सोने वाले की सखी है। मतलब जो जगा रही है, जिसको वो जगा रही है, वो उसकी सखी है, सहेली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अंबर पनघट में डुबो रही, इसका क्या अर्थ है। तो ऊषा रूपी स्त्री आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ा डुबो रही है, अर्थात सुबह हो गई है। चलिए देख लेते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे 15 to 20 वर्ड्स वाले क्वेश्चन हैं। एंड हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आगे बढ़ने से पहले शेयर कर दें अपने सभी कच्चे और पक्के फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर अपकमिंग वीडियोज़। इसके अलावा यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूँ कि जो है, अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए, तो PDF के लिए यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20-20 शब्दों में आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन है, मानवीकरण किसे कहते हैं। तो देखो, जब कवि प्रकृति के इस रूप में चित्रित करता है, ठीक है, जब कवि प्रकृति को इस रूप में चित्रित करता है कि वो मानव जैसा व्यवहार करने लगे, तब कवि के इस भाव को मानवीकरण कहा जाता है। प्रकृति ऐसा फील कराती है जैसे कि वो इंसानों की तरह बिहेव कर रही हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, खग कुलकुल सा बोल रहा इसमें कौन सा और क्यों अलंकार है? तो देखो, खग कुलकुल सा बोल रहा में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ ख की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सखी अपनी सखी को क्यों उठाना चाहती है? तो सखी चाहती है कि अगर यह उड़ जाएगी तो प्रकृति का सौंदर्य मानवीय उमंग के साथ निखर उठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, बीती हुई भावरी जागरी कविता में कवि किस स्थिति का वर्णन कर रहा है? तो देखो, पहले काव्यांश में प्रकृति है और दूसरे वाक्य में मनुष्य यानी सखी है, यहाँ दोनों की पारस्परिक स्थिति का चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका कि कवि इस गीत में क्या संकेत कर रहा है? क्या संकेत कर रहा है बताओ? इस गीत में कवि ये संकेत कर रहा है कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए जाग जाओ, असमर्थ मत बनो, तुम इस काम में पूरी तरीके से समर्थ हो। तो इस तरीके से देश के नवयुवकों को वो क्या कर रहा है, एक तरीके से मोटिवेट कर रहा है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि बीती विभावरी जागरी इस कविता में कवि ने प्रकृति की किन गतिविधियों का उल्लेख किया है? तो देखो, बीती विभावरी जागरी कविता में कवि ने प्रकृति की गतिविधियों का उल्लेख किया है, जैसे कि तारे आकाश में डूबने लगे हैं, पक्षियों के ने चहचहाना शुरू कर दिया है, मंद मंद पवन बह रही है, लताएं रसीली हो गई हैं। इन सब गतिविधियों को सजीव बनाने प्रस के लिए कवि ने मानवीकरण का आश्रय लिया है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट है, बीती विभावरी जागरी कविता के भाषा सौंदर्य का उल्लेख आपको करना है। अगर आप इस कविता को और अच्छे से समझना चाहते हो, सो गाइस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर इसकी जो है एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो, सारे पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो बीती विभावरी जागरी में कवि ने तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग किया है, यह शुद्ध साहित्यिक ब्रज है, इसमें मानवीकरण रूपक और अनुप्रास अलंकारों का सार्थक प्रयोग है, इसकी सहजता व रमणीयता ने इसे हृदयहारी बना दिया है, भाषा संस्कृतनिष्ठ है पर उनमें कोई दुरूहता नहीं आ पाई है, समास युक्त शब्दों ने कविता को गंभीर भी बना दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट है हमारा, बीती विभावरी जागरी कविता में किन अलंकारों का सार्थक इस्तेमाल हुआ है? तो देखो, बीती विभावरी जागरी में रूपक, अनुप्रास, यमक और मानवीकरण अलंकारों का सार्थक प्रयोग हुआ है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें रूपक अलंकार का सौंदर्य है। खग कुलकुल सा बोल रहा इसमें अनुप्रास और यमक का सौंदर्य है। और मधु मुकुल नवल रस गागरी, इसमें किसका है? अनुप्रास और रूपक का सौंदर्य है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इस गीत में एक सखी अपनी दूसरी सखी को क्या कहती है? तो बताओ, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि प्रकृति के इस संदेश को जानो, उठो और प्रकृति की तरह सक्रिय हो जाओ, तुम्हारी आंखों में खुमारी में जो रसमयता है, अलकों में जो सुगंधित वायु की गतिमयता है, अधरों में जो स्वर है, ये सब तुम्हारे सोने के कारण बंदी हैं, जाकर उन्हें मुक्त कर दो और संसार में अपनी सक्रियता फैला दो। तो इस तरीके से एक सखी दूसरी सखी को बता रही है कि उठो, जाग जाओ और एक्टिव हो जाओ। कविता में विशेषता किस प्रकार बताई जाती है? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इस कविता में विशेषता किस तरीके से बताई जाती है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। कविता में विशेषता बताने का तरीका जरा अलग ही होता है। वहाँ यह काम उपमा से लिया जाता है, जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमान कहा जाता है, और जिसके लिए उपमान का इस्तेमाल किया जाता है उसे उपमेय कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, और जो जो इस चैप्टर के मतलब इस कविता के अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने सारे आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आने वाली सारी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हिंदी में बेस्ट स्कोर कैसे कर सकते हैं, इस टॉपिक से लेकर रिलेटेड वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड हमारे ऐप पर आपको हिंदी का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, और साथ ही साथ वहां पर आप SST का सिलेबस भी हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम में परचेस कर सकते हैं। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। गाइस अगर आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है, NIS के स्टूडेंट हो, तो इंग्लिश के फुल सिलेबस के लिए मेरे दूसरे चैनल को विजिट करना बिल्कुल मत भूलना, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो लर्न इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप अपना रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, ये सारी चीजें इजिली कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा वहां से आपको इंग्लिश स्पीकिंग रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाती हैं। तो लिंक के थ्रू जाकर के आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट जरूर करिएगा। बाकी अगर आपको हमारे ब्लॉग देखना अच्छा लगे, आपको हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आप मेरे ब्लॉग चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है तबस्सुम हैदर। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।